नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको लर्निंग कैड में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये ग्लास बनाना, जिसका रियल इफ़ेक्ट देना, कैसे इस ग्लास का रियल इफ़ेक्ट दे सकते हैं। देखिए, मैं इसमें बना रखा है, इसमें तो कुछ लिक्विड है और ये मैं नॉर्मल एक खाली ग्लास है और इसमें लिक्विड डाल के, तो ये वो मैं आपको बताऊँगा। तो मैं ज़्यादा इस ग्लास में ध्यान दूंगा, ना कि इस बैकग्राउंड में। तो इसमें नॉर्मल में छोड़ूंगा, देख सकते हैं इसमें ग्लास में लोएस्ट सेटिंग्स में मैंने रेंडर लिया है, तो थोड़ा सा इसका जो क्वालिटी है वो ख़राब आ रहा है। तो मैं क्वालिटी इसलिए कम निकाला ताकि मेरा रेंडरिंग टाइम कम लगे। तो इसमें आपको थोड़ा सा और फिनिश दिख रहा है, क्योंकि इसमें क्वालिटी थोड़ा सा मैंने बढ़ाया था। देखिए कितनी स्मूथ आ रहा है रेंडरिंग। तो मैं आपको बताऊंगा, आप हालांकि आप चाहे तो आप हाई सेटिंग में रेंडर ले सकते हैं, लेकिन मेरे को ट्यूटोरियल बनाना है तो इसलिए मैं लो सेटिंग में बना के बताऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, मैं इसको हटा देता हूं। आप देखेंगे यहां से मैंने बना रखा है, एक बार मैं इसको हाइड कर दूँ, मैं इन दोनों को हाइड कर दूंगा एक बार और मैं आपको बना के बताऊंगा। अब मुझे फ्रंट व्यू में जाना है और मैं साइड में बना लूँ एक बार। मैं लाइन कमांड से बनाऊंगा, बेसिकली मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। सेगमेंट मोड में जाके इसको मैं कर लूँगा 0 और वर्टेक्स को करना है अपने को ओरिजिन पे। एक बार सबको 0 कर दीजिए। अब इसका जो डिस्टेंस है ये मैं एक बार इसको -1 इंच, तो ये 2 इंच का बन जाएगा। और इसकी जो हाइट है ये हम ले लेंगे एक बार 4 इंच के समथिंग। और इसकी थोड़ा सा मैं आइडिया में, अब एक काम जो करना है हमें, स्प्लाइट मोड में गए। अच्छा, एक काम हमें करना है, जो ग्लास होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट एजेस नहीं होता, इसमें प्लेनर स्ट्रेट नहीं होता। इसके लिए मैं इसको 2 BGR या 2 BGR कॉर्नर में चेंज करूँगा और इसको मेरे को एक्टिव करना है और इसको मैं थोड़ा सा कर्व देना है, इसको थोड़ा सा मैं मूव कर दूँगा, कुछ इस टाइप का कर्व होना चाहिए। पहले आउटलाइन ले लेंगे, अभी थिकनेस आपको देखना है कितनी लेना है आपको। मेरे हिसाब से थोड़ा सा और लेना ज़्यादा बेटर रहेगा, इतनी ठीक है। सेगमेंट मोड में जाके इसको करना है डिलीट और इन दोनों वर्टेक्स को, दोनों वर्टेक्स को आपको करना है 0, XY भी 0 कर दीजिए दोनों ही, वैसे Y 0 है। आपको आप वर्टेक्स मोड में जाके फिलेट ज़्यादा निकलने की ज़रूरत नहीं है, वर्टेक्स मोड में जाके इसके बराबर
चार इंच है, तो इसको भी हमें चार इंच करना है, तो ये बराबर हो जाएगा। अब थोड़ा सा अगर फिलेट करना चाहते हैं तो फिलेट कर सकते हैं, मैं ज़्यादा नहीं करूँगा। तो नॉर्मली कुछ इस टाइप का शेप्स बन चुका है हमारा। अब हम एक काम करेंगे, एक कमांड डालेंगे, लेथ कमांड। लेथ डालने पर प्रोफेसर जाइए, ये कुछ इस टाइप का बन गया। F3 ऑन कर सकते हैं आप। अब देखेंगे, इसको सेडेट कर लीजिए, ये बन चुका है। इसको थोड़ा सा मूव करके देखेंगे नीचे की तरफ, ये बन चुका है। तो थोड़ा सा मैंने कर्व दिया ताकि ग्लास का थोड़ा सा कर्व होता है। एक काम करना है, वेल्ड कोण ये हमें करना होता है ताकि ये जॉइंट हो जाए। अब मैं एक बार F4 दबा के इसको देखूंगा। अब हमें इसमें एक बार टर्बो स्मूथ डाल के देखेंगे, तो आप देखेंगे बिल्कुल स्मूथ हो चुका है। पॉली में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आप एडिट पॉली डाल दीजिए, फोर को ऑन करके देखना है। हमें काफ़ी सारा एजेस दिखेगा, तो एक बार मैं इसको, इसका एंगल जो है 5 कर दीजिए, ठीक है। अब आपको लिक्विड के लिए, जैसे ये मेरे को यहाँ तक लिक्विड चाहिए, तो उसके लिए मैं काम करता हूँ। सबसे पहले तो आप दोनों एज को सिलेक्ट करना है हमें, जैसे मैं दोनों एज को सिलेक्ट कर लिया, अब इसको कनेक्ट करना है और ओके, देखेंगे सिलेक्ट हो चुका है। अब हमें पॉलीगन मोड पे आके इसको ग्रो कर सकते हैं आप। श्रिंक तो मेरा यहाँ तक हो चुका है, हाँ यहाँ तक हो चुका है, ठीक है। अब हमें इसको डिटैच करना है, कॉपी करना है, यानी डिटैच करके। तो मैं इसको तो ज़रा सा रोटेट करूँगा जिससे कि कॉपी बन जाए। क्लोन इज ऑब्जेक्ट, आप इसका नाम दे सकते हो लिक्विड। एडिट पॉली से बाहर आके उसको सेलेक्ट करना है, तो इसको मैं एक बार हाइड कर दूंगा, हाइड सिलेक्शन। अब इसमें काम करना है, तो आप देखेंगे ये ऐसे बन चुका है। तो इसके एक बॉर्डर मोड पे आना है क्योंकि हमें इस पर भी चाहिए, और स्केल कमांड लीजिए और शिफ्ट के साथ थोड़ा सा हमें स्केल करना है। मूव कमांड लेना है और शिफ्ट के साथ थोड़ा सा मूव करना है नीचे की तरफ, और इसको स्केल करना है। एक और, अब इसको एक काम करेंगे हम, टॉप व्यू में जाना है और आपको आमने सामने की दो एज डिसलेक्ट करना है, ये एज मोड में आके ये और इसके जस्ट सामने का ये डिसलेक्ट करना है, उसमें ब्रीच करना है आपको। तो ये कुछ ऐसे जुड़ जाएगा, तो आपको कुछ ऐसे दिखेगा। एक बार आप वर्टेक्स मोड में जाके सभी वर्टेक्स को सिलेक्ट करके एक बार वेल्ड कर लीजिए, तो बहुत कम वेल्ड का वैल्यू देना है,
0.2 nm. ठीक है, अब इसको मैं बाहर आऊँगा और इसमें भी मैं टर्बो स्मूथ डाल दूँगा, तो ये दिखेगा कुछ ऐसे दिखेगा। F4 को हटा दीजिए एक बार, कुछ ऐसे नज़र आएगा ये। ये मैंने ऐसे ही किया, ये जो लिक्विड होता है थोड़ा सा साइड में ऊपर की तरफ होता है, इसलिए मैं किया। तो ये थोड़ा सा रियल लगने के लिए गया, नहीं तो मैं इसको नहीं भी करता तो चल जाता। तो बेसिकली मॉडलिंग में तो कुछ है नहीं, और थोड़ा सा आप टाइम देंगे तो और बढ़िया बन जाएगा। तो मैं जब जल्दी जल्दी इसको बना लिया, एक बार मैं अनहाइड करूँगा तो ये मेरा आ चुका है। अब इसमें मैं मटेरियल आपको बताता हूँ कैसे, वैसे मैं मटेरियल का ट्यूटोरियल बना रखा है, वो आप देख सकते हैं। इसमें एक खाली स्लॉट लीजिए, इसका नाम दे दीजिए ग्लास। कलर आपको करना है, आप जो भी रखना चाहिए इसकी कोई मैटर नहीं करेगा कलर क्या चाहिए। मैं यहाँ से इसको रिफ्लेक्शन जो है 100% करूँगा, और रिफ्लेक्शन ग्लास में आप देखेंगे रिफ्लेक्शन थोड़ा सा होता है, ये रियल लगने के लिए थोड़ा सा आपको देना पड़ेगा। अभी कितना देंगे वो आपके ऊपर है, थोड़ा सा कम भी दे सकते हैं। अभी यहाँ पे देखेंगे ये ग्लास बन चुका है, ग्लास मटेरियल बन चुका है। अब मैं इसको इस वाली ग्लास से असाइन कराऊँगा। ओके, तो आप देखेंगे ये ग्लास बन चुका है। तो बेसिकली मैं ग्लास की बात कर रहा हूँ, इसको मैं एक बार हाइड कर दूँगा। अब देखेंगे अगर मैं इसको रेंडर करूँगा, अब देखेंगे ये रेंडर आ गया अपना। ये मैंने अभी कुछ भी नहीं किया, ये खाली मटेरियल डाला और नॉर्मल ये रेंडर आ चुका है। तो मैंने क्या किया, रिफ्लेक्शन के जो 100% किया और जो रिफ्लेक्शन थोड़ा सा दिया, डिफ्यूज़ कलर को मैंने ब्लैक ही रखते हैं दिया, जो रेंडर आ गया। एक चीज़ जो हमने किया, जो इसका आप नीचे देखेंगे इसका थिकनेस ज़्यादा है, तो मैंने इसको बढ़ा लिया थोड़ा सा, हाइट इसको ज़्यादा दे दिया, तो ठीक है। अब आप देखेंगे नॉर्मल रेंडर आया, तो ग्लास में एक कप, पहले सबसे पहले बात है आपको सब डिब्स थोड़ा सा सब डिब्स में बढ़ा देता हूँ ताकि क्लियर आ जाए। और एक चीज़ ऑन करना है एफएक्स शैडोज, इससे क्या होगा अगर मैं लाइट देता हूँ तो लाइट का रोशनी जो है दूसरी तरफ आ सकता है। और दूसरा काम है ये IUR, तो IUR आप अपने हिसाब से, ग्लास के अलग अलग होता है। तो मैंने एक बार 1.6 रहने दिया, मैक्सिमम डेप्थ है जो 5 है, तो आप इसके 3 भी ले सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं। अब मैं एक चीज़ चेंज करूँगा, जो फॉग कलर है मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ब्लूइस इफ़ेक्ट आए, जैसे मैंने आपको आगे बताया था। ये भी ग्लास है और ये भी ग्लास, इन दोनों में अंतर इतनी है कि ये ब्लूइस आ रहा है जो एक थोड़ा सा रियल इफ़ेक्ट आ रहा है, और इसमें नहीं आ रहा है। तो इसका कंट्रोल हम कर सकते हैं फॉग कलर से, तो मैं इसको थोड़ा सा फॉग कलर को कुछ मैं यहाँ रख देता हूँ। अब मैं एक बार नॉर्मल रेंडर लूँगा, कैसे दिख रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा ही आ रहा है, तो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फॉग मल्टीप्लेयर दिख रहा है, तो इसको कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ पे आपको फॉग मल्टीप्लेयर दिख रहा है, इसको भी कम करना है, तो इसको मैं 0.5 करके देखूँगा एक बार। तो आप देखेंगे ये थोड़ा सा और लाइट हो चुका है, और साइडों में देखेंगे ब्लूज नज़र आएगा। तो आप देखेंगे मैंने फॉग मल्टीप्लेयर 0.5 लिया, इसको और कम कर सकते हैं आप चाहे तो, और कम इफेक्ट के लिए, जैसे मैंने 0.4, तो ये अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके बाद आपको रियल इफ़ेक्ट के लिए आप उसमें लाइट लगाना पड़ेगा और कैमरा को यूज़ करना पड़ेगा। तो आप नॉर्मल देखेंगे, मैंने नॉर्मल ग्लास लगा दिया। अब हम आगे देखते हैं, इसमें लाइट भी लगा सकते, तो लाइट लगाने के बाद मैंने जैसे इसके रेंडरिंग निकाल लगा था, इसमें मैंने लाइट लगा रखा है,
तो अब जैसे लाइट लगाएंगे वैसे इसका इफ़ेक्ट जो है वो आ जाएगा।